करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपरनेचुरल पार्ट्स थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देख के सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है।